जिस तरह पत्रकार स्वयंभू जनता का प्रतिनिधि है, वैसे ही जनता का प्रतिनिधित्व वो भी करते हैं जो वास्तविक तौर पर रहनुमाई करते हैं। ये शब्द अनायास यूं ही जुबान से नहीं निकले। इसके पीछे कैपिटल कैमरे में कैद वो सच है जो हमने खबर में दिखाया था। दिखाया था तरहसे प्रखंड के गुरहा पंचायत के बरवाही समेत अन्य टोलों की हकीकत, जहां दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों, गरीब गुरबों के मदद के लिए सरकार, प्रशासन समेत अन्य हाथ उठे, मगर जो जरूरतमंद असहाय हैं उनका क्या, उन दंपतियों का क्या जिनके पैर नहीं, उनका क्या साहब जिनके आंख नहीं। एक बात तो संतोषजनक है कि खबरों की सफलता तभी जब असर कारगर हो, और कैपिटल न्यूज सच का सामना भी करता है और बनता है आपकी आवाज, जो साबित भी हुआ। कैपिटल न्यूज की खबरों को देखकर मेदिनीनगर से 35 किलोमीटर दूर सुदूर में स्थित बरवाही टोले में जब हमें लेकर पलामू की धरती के सबसे बड़े सेवाकार गुरबीर सिंह गोलू पहुंचे, तो समझ आया कि सेवा, समर्पण एवं संकल्प पलामू का संस्कार है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल में जिनको है असहायों से प्यार। हैप्पी बर्थडे राजा साहब। जन्मदिन तो एक बहाना है, सेवा का संकल्प जो निभाना है। पापा का कल बर्थडे, तो हमने सोचा क्यों ना उसी खुशी में आज यहाँ पर आया जाए, तो फिर यहीं पर आके इन लोगों को महीने भर का राशन हर फैमिली को दिया गया। भले ही पलामू जिला मुख्यालय से हजार किलोमीटर दूर, पलामू के प्रतिष्ठित पराक्रमी प्रभावशाली नाम सतबीर सिंह राजा देश की राजधानी में है, मगर उनके लिए तो 60 साल पूरा करना गौरवान्वित कर गया जब उनके नक्शे कदम पर चलने वाला सेवाकार पुत्र गुरबीर सिंह गोलू ने कैपिटल न्यूज की खबर को देख उस यादगार दिन को और पावन बना दिया। सर, कैपिटल न्यूज में ये न्यूज चल रही थी कि तरसी गांव में कुछ ऐसे विकलांग फैमिली है जिनको बहुत दिक्कत है, तो प्रफुल्ल जी से हमारी बात हुई थी, तो पापा का कल बर्थडे, तो हमने सोचा क्यों ना उसी खुशी में आज यहाँ पर आया जाए, तो फिर यहीं पर आके इन लोगों को महीने भर का राशन हर फैमिली को दिया गया। कैपिटल इम्पैक्ट तो पहले ही हो चुका था जब प्रशासन की ओर से तहसील बीडीओ ने सजगता दिखाई, असहाय दिव्यांग परिवार को तत्काल राहत दिलाई, संजीदगी दिखाई तहसील थाना प्रभारी ने जिन्होंने पुलिसिंग के अलावे सामाजिकता निभाई, वहीं संवेदना की प्रतिमूर्ति बन उभरा गुरहा पंचायत का वजनदार, दमदार, जानदार युवा शाहबाज खान, जिसने खुद भी कदम बढ़ाया और क्षमतावान लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित भी किया। उमस भरी गर्मी और गर्मी के बीच में अंधेरा, इस अंधेरे में एक रोशनी जगमगाती है, एक कार आती है और कार के उन जगहों तक पहुंचती है जहां वाकई में जरूरतमंद रहते हैं, जरूरतमंद बसते हैं, और उन जरूरतमंदों को जब राशन मिलता है, तब जब लॉकडाउन बीत चुका है लेकिन स्थिति गंभीर है, उस स्थिति को किसी ने अगर समझा है तो उस कहीं ना कहीं उन समझने के लिए, उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि दोषी कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब दरकार है। परंतु वैश्विक महामारी के दौर में तालाबंदी की घोषणा के साथ सरकारी व्यवस्था से इतर जो पहले दिन से जरूरतमंदों के लिए दिल का खजाना खोल सहयोग की संजीवनी बांटने निकल पड़े गुरबीर सिंह, भले ही 3 माह से अपने पिता से नहीं मिल पाए, मगर हजारों जरूरतमंदों के लिए वो काम कर गए जिसमें संवेदना है, संजीदगी है और है सजगता, जो सीखा है अपने पिता सतबीर सिंह राजा से। देखा सर, हैंडीकैप्ड्स भी हैं बहुत सारे यहाँ पर, तो उन लोगों को देख के तो लगा, लेकिन चलिए किसी बहाने उन लोगों की मदद हो पाई, तो इसलिए कैप्टन को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी दूर एक न्यूज़ में देखा मैंने कि यहाँ पर है, तो इसलिए अच्छा लगा देखे। बहुत सुकून मिला इस चीज़ में, बांट रहे हैं 2 महीने से बांट रहे हैं, लेकिन आज कुछ अजीब अलग ही लग रहा है। पिता सतबीर सिंह राजा के मार्गदर्शन में गोलू सरदार ने राशन बांटा, भोजन खिलाया, लंगर चखाया और उपलब्ध कराई हर वो सुविधा जो जरूरी थी। मगर लॉकडाउन के बाद हर दिन की मुहिम तो नहीं चली, मगर चलती रही वो समर्पण भरा संकल्पित सेवा कार्य जो पिता के जन्मदिन पर वास्तविक जरूरतमंद के पास अंधेरी रात में पहुंच जन्मदिवस का वो तोहफा दे दिया जिसका इंतजार हर पिता अपने बेटे में अपनी छवि देखने के लिए करता रहता है। सुकून तो इतना देता है कि इसका कहने योग्य नहीं है, और इस लॉकडाउन में जिसके अंदर
मानवता है वो बिल्कुल संवेदनशील होकर के सर्वस्व निछावर करने का क्षमता रखता है। और मैं बता रहा हूँ कि इस सुकृत कार्य करने वालों को 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि धर्म कभी साथ छोड़ता नहीं है। जो लोगों को दिया गया है बिल्कुल निरीह निसहाय, जिसका इस दुनिया में केवल इंसान सहारा हो सकता है और ऊपर में भगवान सहारा हो सकता है, ऐसे लोगों को जो सहयोग आज दिया गया है, कोटि साधुवाद धन्यवाद मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी एक समाज में जीता हूँ, इसलिए समाज में जो निरीह प्राणी होते हैं वह दर्द समाया रहता है मेरे दिल में, और बराबर ये लालसा होती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, दूसरे के दुख में साथ देना यही मानव कर्तव्य है, यही परम धर्म है। और यह जो पल है यह पल स्वर्ग सुख से कम नहीं है, क्योंकि मानव मानव को सेवा तत्परता से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेमस नाम राजा सरदार को एहसास होगा, गोलू ने खुद का तो निर्माण किया ही, वैसे टीम का भी निर्माण कर गया जिसकी जरूरत पलामू को इस विकट परिस्थिति में थी। ये मेदिनीनगर का सौभाग्य है जहाँ सतबीर सिंह राजा का परिवार बसता है, जिनमें बसता है सामाजिकता समरसता संभाव, जो अद्भुत अद्वितीय अनोखा है। नेतृत्व भले ही गुरबीर सिंह गोलू का है, मगर समर्पण ढेरों युवा महिलाओं का है। सरदार सतबीर सिंह राजा, उनका जन्मदिन भी है और इससे बड़ी खुशी वो और दे नहीं सकते कुछ भी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं, और मैं कैपिटल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इस जगह पे लेके आए हैं, और हमें ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो गुरु नानक के घर में सेवा की कमी ने, मैं फिर से एक बार सरदार सतबीर सिंह राजा को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत वो अपने जन्मदिन में बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया है यहाँ स्वच्छता की। और सबसे पहले मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ गुरबीर सिंह जी का और सतवीर सिंह राजा, जो कि पलामू के मशहूर समाज सेवी हैं, और लगातार उनके निर्देश पर उनके आशीर्वाद से हम लोग लगातार गुरबीर जी और उनकी टीम के साथ काम करते रहे। उसके बाद आपदा मित्र के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया सैनिटरी पैड्स बांटने का, तो मेरी भी कोशिश थी, इच्छा थी कि मैं इंटीरियर गाँवों में जाऊँ, लेकिन थोड़ी सुविधा और समय के अभाव के कारण मैं नहीं जा पाती। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि तरहसी और उसके इंटीरियर गाँवों में जाना है, तो मैं भी तुरंत राजी हो गई और बहुत अच्छा लगा। डर जब काम करने निकले हैं तो डर को तो किनारे रखना ही पड़ता है, थोड़ा सा लगता है कि कब तक लौटेंगे, समय अंधेरा हो गया है, लेकिन सतवीर सिंह राजा जी का आशीर्वाद है, गुरबीर सिंह जैसे जोशीले उत्साही युवा का साथ है, तो हम कोरोना से भी जंग तो जीतेंगे ही और इन चीज़ों से भी जंग जीत जाएंगे, और डर के आगे ही जीत है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे ऐसी टीम और ऐसे टीम लीडर का साथ मिला जिन्होंने सही मायने में सेवा क्या होती है ये दिखाया। जैसे ही मुझे आज शाम को खबर हुई कि हमें तरहसी आना है, तो दिल में थोड़ा सा डर तो था, मगर यहाँ पे आने के बाद और इन सबों का चेहरा देख के, इनके चेहरे पे जो खुशी है, वो सारा डर अपने आप ख़त्म हो गया। और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि जो गोलू जी के पिताजी हैं सरदार सतबीर सिंह राजा, उनका कल जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन की जो खुशी है, ये अगर इनकी जरूरत पूरा करके हम लोग मना रहे हैं तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। इनकी सेवा को भगवान का प्रसाद कहें या इनकी मौजूदगी को मानव रूपी देवता की उपस्थिति, मगर इतना तो जरूर कहेंगे कि इससे बड़ा ना कोई अरदास, सेवाकार जीवन, गरीबों का सरताज, दीर्घायु, समृद्धि, मंगल घर बार, हैप्पी बर्थडे। इतना ही कह पाएंगे कि लोकतंत्र में कई स्तंभ होते हैं, लेकिन उन स्तंभों में अगर जनप्रतिनिधि की भूमिका अगर कहीं खास जरूरत पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम स्वयंभू प्रतिनिधि हैं जनता के हित में सोचते हैं, वैसे ही कई ऐसे चेहरे हैं जो जनता के हित में सोचते हैं। शायद इस बार कहीं ना कहीं प्रतिनिधि की भूमिका बदली है और प्रतिनिधि के चेहरे भी बदले हैं जो जनता के हित के बारे में सोचते हैं, जो इंटीरियर या सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच करके जनता के लिए काम कर रहे हैं।